डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि क्या एक्सट्रीम लेवल का यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और पूरी जो वैली है वो पूरी सफ़ेद हो चुकी है क्योंकि कल रात से यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। तो अभी इस बर्फबारी में मैं जा रहा हूँ अपने गौशाला की तरफ जहाँ की हमारी गाय है और उनको घास और पानी की व्यवस्था करनी है क्योंकि चाहे मौसम कुछ भी हो खाने पीने की आवश्यकता तो पड़ती है। जानवरों को तो खाना चाहिए ही क्योंकि चाहे बर्फ आए या कुछ आए काम तो करना ही पड़ता है यहाँ। और अभी मैं दिखाता हूँ कितना स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये अपनी गौशाला और उधर पे जो नदी बहती है वहाँ से पानी लेना पड़ता है। तो आज तो बाहर जो गाय बांधने का कोई सिस्टम ही नहीं है, उनको घास पानी जो भी है वो अंदर ही देना पड़ता है। यहाँ पे गाय को बांधा रहता है और अभी आप देख सकते हैं ये पूरा जो है बर्फ से भर चुका है। और यहाँ आपको मेरे पीछे जितने भी दिख रहे हैं, जितने भी ये मकान दिख रहे हैं, ये सारी गौशाला है और सभी लोगों के जो गाय या बैल है वो यहीं रहते हैं। चलिए इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये घास पूरी तरीके से बर्फ से ढक चुका है। तो ये है भाई गदेरा, यहीं से हमको पानी लेके जाना है अपनी गौशाला की तरफ। चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा है बस ये पानी जो है ये अपने कलर में। देखा आपने कि किस प्रकार से मेहनत लगती है इन पहाड़ों में और काम तो करना ही पड़ता है क्योंकि जो भी हमने जानवर पाले हैं उनको घास और पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है चाहे मौसम कैसा भी हो। और इसीलिए तो दिन के जो तीन टाइम जो है हर कोई अपने गाय या सभी के लिए घास और पानी की व्यवस्था करने ऊपर आता है। चलिए अब चलते हैं हम घर की तरफ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।